आज का जो लेसन है पोर्ट्रेट के ऊपर, ये बहुत हार्ड कोर ट्रेनिंग होने वाली है। तो जितने भी सीरियस आर्ट लवर्स हैं, ये सेशन आपने मिस कर दिया तो आपने सालों का लर्निंग मिस कर दिया। क्योंकि आज जो 6-7 सालों से मैं टीचर के तौर पे काम कर रहा हूँ, आर्ट टीचर के तौर पे, यूट्यूब पे तो मैं बहुत बाद में आया। ओके, लोग कहते हैं कि आप तो यूट्यूबर हो, यूट्यूबर नहीं हूँ मैं आर्ट लवर हूँ। ओके, और आर्ट लवर के तौर पर जो मेरी लर्निंग रही है मेरे गुरुओं से, मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, उसको मैं बहुत डीपली, बहुत पैशनेटली चाहता हूँ कि आप सब तक पहुँचे। और आज जो मैं चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, आज बहुत सारे आपके मिथ्स टूटने वाले हैं, और इसलिए बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस चाहिए आप सब की, ताकि आप ये प्रॉब्लम्स, ये गलतियाँ जो आप कर रहे हो, मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो, उससे आप बच सको। इससे पहले कि मैं ये लेसन शुरू करूं, आपको डेमो दिखाना शुरू करूं, कुछ वर्ड्स आप बहुत ही ध्यान से लिख लीजिएगा अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में। और ये ऐसे शब्द हैं जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, और इसके ऊपर ही आज का सेशन बेस्ड होगा। प्रिंसिपल्स की मैं बात करता हूँ, प्रिंसिपल्स के ऊपर हम काम करते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल्स एक टेक्निक भी है जो हमें फॉलो करनी होती है रियल ग्रोथ के लिए। सबसे पहले कुछ शब्द आपको लिखने हैं। सबसे पहला शब्द और सबसे कमाल का शब्द जो आपको लिखना ही नहीं है, आपको उसको लिख के अपने रूम में, अपने स्टूडियो में चिपका भी लेना है, वो शब्द क्या है? स्टार्ट ओवर फिनिश। ओके, स्टार्ट ओवर फिनिश, ये एक गोल्डन लाइन है, इसको आप लिख लो, चिपका लो अपने दीवार पे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। ओके, प्रपोर्शंस, शेप्स, सिंप्लीफिकेशंस, ये कुछ बेसिक शब्द हैं जिसके ऊपर आपकी क्लैरिटी होनी जरूरी है। और यही वो शब्द हैं जो फंडामेंटल के लेवल पे आते हैं, जो आर्ट की फंडामेंटल्स में आते हैं। और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, लेकिन ये एक ऐसे शब्द हैं जो आपको आज समझना पड़ेगा, ताकि आपको आगे रियल में ग्रो करना है। अगर एज एन आर्टिस्ट, सीरियस आर्टिस्ट, अगर टाइम पास के लिए कर रहे हो, मस्ती मजाक के लिए ड्राइंग कर रहे हो, देन इट इज ग्रेट कि आप कैसे भी करो। लेकिन अगर सीरियसली लर्निंग करनी है आपको, आगे चल के प्रोफेशनली काम करना है, तो ये सब क्लियर होना जरूरी है। और ये मैं सभी को समझाता हूँ जितने भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, क्योंकि यही वो चीजें रही हैं जिसके ऊपर मैंने काम किया, तो मुझे समझ में आया कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना भी कुछ होता है। सबसे पहला लाइन, स्टार्ट ओवर फिनिश, जिसके ऊपर आज ये पूरा सेशन बेस्ड होगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जब हम लोग आर्टवर्क बनाते हैं, तो उसका जो स्टार्ट है, स्टार्टिंग स्टेज है, सबसे बड़ा जादू, सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है आपकी लर्निंग की, वो स्टार्ट में छुपा होता है, फिनिशिंग में नहीं। अब यहाँ पे मैं एक ऐसा कड़वा बात बोलने वाला हूँ जो हो सकता है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को गलत भी लगे, लेकिन ये सच्चाई है। जितने भी लोग YouTube में, आप जिनके लेसन देख रहे हो, जो इस तरीके से पोर्ट्रेट या किसी भी चीज को बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आउटलाइन करके, या मोबाइल को जूम करके उसके एक एक प्रपोर्शन को धीरे 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 आईज बना दिया पूरा अच्छे से, फिर नोज बना दिया धीरे धीरे, फिर लिप्स बना दिया, ये सबसे गलत टेक्निक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जितना भी आप हाइपर रियलिज्म, फोटो रियलिज्म, इन सभी के ऊपर आर्टवर्क देखने की कोशिश करते हैं, कोई एक्टर को बना रहा है, कोई हीरोइन को बना रहा है, उसमें शेडिंग कर रहा है, ब्लेंडिंग स्टिक से डिटेल्स कर रहा है, ये सारी चीजें गलत हैं, बहुत ज्यादा गलत है। अगर ये आप देख के सीख रहे हो, तो आप ऑलरेडी बहुत गलत दिशा में जा रहे हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ओके, ये जो आर्टिस्ट सीरियसली बहुत सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और उन्हीं से मैंने समझा है, उन्हीं से मैंने जाना है। और पिछले 6-7 सालों से, जब से मैंने प्रोफेशनली काम करना शुरू किया है, मैं इन चीज़ों को समझ रहा हूँ। अब एक पॉइंट और, यहाँ पे मैं इजीएस्ट मेथड नहीं बताऊंगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं कि हाउ टू ड्रॉ ए पोर्ट्रेट इजीली, हाउ टू ड्रॉ ए फिगर इजीली, हाउ टू ड्रॉ ए स्टिल लाइफ इजीली। इजीली नहीं है, जो भी चीज़ मैं आज शेयर करने वाला हूँ वो इजीली नहीं है, वो आपको टफ लगेगा, वो आपको डिफिकल्ट लगेगा। और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे ये तो बहुत हार्ड लग रहा है, हम इसको क्यों करें, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, इससे अच्छा तो मैं ऐसे बना लेता, इससे अच्छा तो मैं वैसे बना लेती, वो चीज बहुत सारे लोग लिखते भी हैं। लेकिन यहाँ पे आज जो सेशन है, ये इजी वालों के लिए नहीं है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो जरूरी है। भले वो टफ लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जरूरी है। जब भाग मिल्खा भाग जो मूवी थी, वहां पे मिल्खा सिंह नंगे पैर दौड़ के प्रैक्टिस करते थे, तो उनके कोच ने उनको बताया कि बेटा जब ओलंपिक्स में जाओगे ना, तो जूता पहनना ही पड़ेगा, भले तेरे को जूता पहनने आता हो या नहीं आता हो, वहां पे उनके रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से जूता पहन के दौड़ना पड़ेगा, तो तू अभी से उसकी प्रैक्टिस कर।
तो वैसे ही ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मन हो नहीं हो, इजी लगे हार्ड लगे, आगे चल के अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है, और वो भी मैं बताऊंगा पॉइंट्स इस सेशन के दौरान कि कैसे कहां कहां पे प्रोफेशनली ये चीजें काम आती है, ताकि आपको सिर्फ ये ना पता चले कि ड्राइंग को ऐसे बनाया जाता है, आपको ये भी पता चले कि क्यों हम ऐसे बना रहे हैं और वो चीजें आगे कब कहां कब कैसे क्यों काम आती हैं। सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए अगर आप सीरियस आर्ट लवर हो और आप ऐसे मस्ती मजाक के लिए आर्टवर्क नहीं कर रहे हो कि थोड़ा शेडिंग कर लिया, थोड़ा एक्टर को बना लिया, थोड़ी एक्ट्रेस को बना लिया और काम चल गया, सुंदर आर्टवर्क बन गया और मम्मी पापा और रिश्तेदार खुश हो गए। वहां तक अगर सीमित नहीं रहना है, सीरियसली आगे बढ़ना है, खुद के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने हैं, खुद की चीजें शेयर करनी है, खुद एक टीचिंग लाइन में जाना है, खुद आर्ट के टीचर के तौर पे काम करना है, खुद इन्फ्लुएंसर के तौर पे चीजों को शेयर करना है, ऑनलाइन दुनिया में चीजों की पकड़ बनानी है, कम्युनिटी बनानी है, लोगों से कनेक्शन बनाना है, एग्जीबिशन अटेंड करने हैं, एग्जीबिशन में अपने काम डिस्प्ले करने हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देने हैं, अलग अलग जगह जगह जाके वर्कशॉप करनी है, खुद की खुद का इंस्टीट्यूट रेडी करना है। तो ये सारी चीजें यहीं से शुरू होती हैं, आपकी जड़ से शुरू होती हैं। तो ये सारी चीजें अब मैं आपके साथ शेयर करने के बाद आज का डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करता हूं। इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान जो भी पॉइंटर्स मैं बोलूंगा वहां पे देखिएगा कि चार शब्द जो आपने लिखे कहां पे कैसे इस्तेमाल आ रहे हैं। और जो नंबर वन पॉइंट है, स्टार्ट ओवर फिनिश, काइंडली प्लीज इसको लिख के दीवार पे चिपका लेना, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जिसने जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। बहुत सिंपल लेकिन बहुत कमाल की लाइन, स्टार्ट ओवर फिनिश। ये लाइन ऐसी लाइन है जो आपको कम समय में खतरनाक रिजल्ट देगी। ये एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर काम करने से आप हजार डिस्ट्रैक्शन से बचोगे कि ये ब्लेंडिंग टूल, ये वाला डिटेल्स, ये आंखों के नीचे थोड़ा सा डार्क कर दें क्या, ये सब बेकार की चीजों से आप मुक्त होगे, सही तरीके से काम करोगे। और ये मैंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग करते वक्त सीखा था, स्टार्ट ओवर फिनिश। और ये एक लाइन थी जो डेरेन राउजर सर, जो कि एक अमेरिकन आर्टिस्ट है, वो बहुत इस्तेमाल करते थे उनके अपने स्टूडेंट को सिखाने में, बहुत ही कमाल के बहुत सीनियर आर्टिस्ट। उन सबसे मैंने ये जब समझा तो मैंने जाना कि कितने एडवांस लेवल पे या कितने डीप लेवल पे आर्ट काम कर रहा है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी। बाकी शब्द तो आपने सुने होंगे, प्रपोर्शन, शेप, सिंप्लीफिकेशन, ये फंडामेंटल शब्द है, ये हर जगह लागू होते हैं, लेकिन स्टार्ट ओवर फिनिश एक सेंटेंस है जो आपको हमेशा गाइड करेगा। तो मेक श्योर कि आप इसको लिख के अपनी दीवारों पे चिपका लें। ये सारे पॉइंटर्स हम लोग आज इस सेशन में समझेंगे, लेकिन एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक संडे को मैं सेशन करने वाला हूँ। अब ये सेशन मैं कुछ टाइम से कर रहा हूँ और जल्दी ये सेशन बंद भी मैं कर दूंगा। ये सेशन करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि ये जो चीजें हैं उसकी डीप नॉलेज, डीप अंडरस्टैंडिंग उन सभी तक पहुंच सके जो आर्ट में सीरियस हैं। हेलो, सीरियसली सुनना, जो आर्ट में सीरियस हैं, जो प्रोफेशनली जाना चाहते हैं या आर्ट में आगे चल के करियर के हिसाब से आर्ट को देखते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ओके, अगर आप सीरियस हैं रियल में तो सेशन को जरूर अटेंड करना। सेशंस में अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह सब कुछ शेयर करता हूँ, लेकिन वो सेशन ज्वाइनिंग उसकी फ्री है। 2-3 घंटे का मास्टर क्लास होता है जहाँ पे आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी, एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे चल के आपको क्या करना है, वो सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन अपने तरफ से मैं जो कोशिश कर सकता हूँ कि इस सेशन को एक बार अटेंड जरूर करना, ताकि आपको पता रहे कि आर्ट के फील्ड में हो क्या सकता है, किन किन चीजों पे काम करना जरूरी है, किस पे किसको अवॉइड करना जरूरी है, कहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, करियर वाइज क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मैंने अपने करियर वाइज क्या क्या चीजें करी हैं, भले वो अपनी ब्रांड बनाने की बात हो, अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात हो, खुद की ट्रेनिंग्स बनाने की बात हो, खुद का एक इंस्टीट्यूट ऑफलाइन वर्ल्ड में चलाने की बात हो, हर चीज मैं उस सेशन में शेयर करता हूँ। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आर्ट के फील्ड में अगर आप जा रहे हो तो कितनी मेहनत, क्या करना है और कैसे वो अचीव होगा और क्या क्या मिल सकता है आर्ट की फील्ड में ग्रो करने से करियर वाइज, वो सब कुछ मैं सेशन में डीपली कवर करता हूँ। और ये सेशन जल्दी मैं बंद भी कर दूंगा, क्योंकि इस सेशन को मैं बहुत टाइम से रन कर रहा हूँ और जो सीरियस है वो लोग अटेंड कर पाते हैं, जो सीरियस नहीं है वो ऑब्वियसली बात है कि वो अटेंड करे ना करे उनको भी फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे फर्क पड़ता है, मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूँ जो आर्ट में पैशनेट है, रियल पैशनेट। ओके, नीचे लिंक दिया गया है, लिंक में डेट टाइमिंग सब मेंशन है। मेक श्योर कि इस सेशन को एक बार लाइफ में मिस मत करना, इसको अटेंड कर लेने से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये मैं कंप्लीटली अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सेशन को मैंने बनाया है, जहाँ पे मैंने अपने गुरुओं से जो भी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस है, जो भी इंटरनेशनल मास्टर, इंडियन मास्टर सबसे जो मैंने सीखा, उसको कंपाइल करके एक ऐसे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी जिसने हर आर्टिस्ट की लाइफ में वो क्लैरिटी होनी जरूरी है, जिससे वो उसको रास्ता मिल सके जहां पे उसको काम करना है। मेक श्योर टू अटेंड द सेशन। ओके, नीचे लिंक दिया गया, कंप्लीटली फ्री है ज्वाइन करना, लेकिन अटेंड जरूर करना, आपके कई साल अगर आपको बचाने हैं और सही डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। ओके, अब शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो यहाँ पे मैंने सिंपल पेपर लिया है, सिंपल कैमल की एक कलर पेंसिल ली है, तो मटेरियल का कोई वैल्यू नहीं है। अब जो वैल्यू है वो है स्किल की, और स्किल आपको इस वीडियो में समझना है। सबसे पहले मैं एक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूँ जॉन सिंगर सार्जेंट का, एक महान कलाकार, एक बहुत ही पॉपुलर पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, उनका मैंने यहाँ पे फोटो लिया है और उसको मैं यहाँ पे
ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं जो ये लाइंस खींच रहा हूँ, इस लाइंस को जिस वे में मैं खींच रहा हूँ, वो चीज़ आपको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसे कहते हैं सिंप्लीफाई करना। तो जो वर्ड आपने लिखा था सिंप्लीफिकेशन, वो वर्ड को आपको दिमाग में रखना है, सिंप्लीफिकेशन। बहुत सारे लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की जगह। जैसे ही आप पोर्ट्रेट लेते हो, आप ये सोचते हो कि मैं पोर्ट्रेट जैसा दिख रहा है वैसे ही बना दूंगा, सिंप्लीफाई नहीं करूंगा। ओके, तो सिंप्लीफाई करना जरूरी है। और एक चीज, प्रोपोर्शन। मान लो ये एक लाइन है, इसके हिसाब से मुझे दूसरी लाइन खींचनी है, तो मैं मन में ये सोच रहा हूँगा कि ये लाइन इतनी बड़ी है, चलो मैं सोचता हूँ दूसरी लाइन इतनी ही बड़ी होगी कि इसके कंपैरिजन में डबल होगी, कि डेढ़ गुना बड़ी होगी, कि ढाई गुना बड़ी होगी, ऐसा मैं मन में सोच रहा हूँ। ओके, अगर एक लाइन इतनी बड़ी है तो मैं मन में सोच रहा हूँ कि दूसरी लाइन क्या, गैस कर रहा हूँ मैं कि दूसरी लाइन क्या डबल है, तो मैं इतनी बड़ी अगर लाइन खींचाऊँ तो दूसरी लाइन उसके डबल साइज की खींचूंगा। ओके, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप शुरू में इस तरीके से कर रहे हो, आर्टवर्क को बना रहे हो, तो मैं जानता हूँ कि डिफिकल्ट लगेगा। तो बहुत सारे लोग ये मत सोचना कि ये तो बहुत टफ चीज़ बता दिया आप, हम तो ऐसे कर रहे थे तो आसानी से बन जा रहा था, हम तो वैसे बना रहे थे तो ईजिली बन जा रहा था। मिल्खा सिंह वाला एग्जाम्पल याद करना। ओके, क्योंकि ये जो तरीका है बनाने का, जिस वे में मैं बना रहा हूँ, ये वो तरीका है जो स्टैंडर्ड तरीका है, जो इम्पॉर्टेंट तरीका है, जो जिस वे में जितने भी आर्टिस्ट हैं वो काम करते हैं शुरू में जब वो सीखते हैं उस वक्त। अगर आपने इस तरीके से चीज़ों को नहीं सीखा, सिंप्लीफिकेशन अगर आप नहीं सीख रहे हो, और इस तरीके से प्रपोर्शन जज करने का तरीका नहीं सीख रहे हो, ओके, एक लाइन खींचना, उसके लाइन के कंपेरिजन में दूसरी लाइन खींचना, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आप फेस करोगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप सिंप्लीफाई करना नहीं सीख रहे हो, तो यहाँ पे तो हम एक पोर्ट्रेट बना रहे हैं, अगर हम डिफिकल्ट और सब्जेक्ट बनाते हैं, मान लो एक साथ चार चेहरे हैं, या एक लैंडस्केप है, वहाँ पे पोर्ट्रेट भी आ रहा है, वहाँ पे एक फिगर भी पूरा कंप्लीट आ रहा है, वहाँ पे 100 चीज़ें आ रही है, तो अगर आप ऐसे सिंप्लीफाई करना नहीं सीख रहे हो, तो आप एक आध ड्राइंग बना लोगे डेली लाइफ में खुशी के लिए, मस्ती के लिए, लेकिन आप प्रोफेशनल लेवल पे नहीं जा सकते, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को बनाने के लिए सिंप्लीफाई करने का आदत होना चाहिए। ओके, भले वो सिंपल सब्जेक्ट हो, एक सेब बना रहे हो, एक एप्पल बना रहे हो, एक बड़ा सा लैंडस्केप बना रहे हो, या चार पांच पोर्ट्रेट एक साथ बना रहे हो, हर एक चीज़ में सिंप्लीफिकेशन होती है, और वो एक आदत की तरह होती है। अगर आप सोचोगे कि मैं सिंपल सब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, जैसे टेढ़ा टेढ़ा छोटा छोटा लाइन टुकड़े टुकड़े में लाइन बना के, ऐसे सर्कल सर्कल बना के, या डायरेक्ट डिटेल्स डिटेल्स करके अगर आप सोच रहे हो कि मैं बना तो लेता हूँ, तो सॉरी टू से माई फ्रेंड, आप आगे चल के डिफिकल्ट सब्जेक्ट में बहुत बुरी तरह फंसने वाले हो। डिफिकल्ट मेथड है ये, लेकिन आप अभी से करना शुरू कर दो। सिंपल चीज इज डिफिकल्ट। ओके, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, लियोनार्डो दा विंची की लाइन, कि सिंप्लिसिटी में ही सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो सारा जो कॉम्प्लेक्स चीज है, वो सिंप्लिसिटी में आता है। सिंपल इज हार्ड। ओके, तो सिंपल करना, आर्टवर्क को सिंपल करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है एक आर्टिस्ट के लिए। डिफिकल्ट तो हर कोई कर सकता है, बच्चा भी चीज को समा, एक छोटी सी चीज को एक बच्चा और मुश्किल बना देगा, लेकिन आर्टिस्ट का काम है एक चीज को सिंप्लीफाई करना, उसको सिंपली सिंपल रूप में समझना, और उसके बाद उस चीज में धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करना। तो जब हमने सिंप्लीफाई किया शुरू में, उसके बाद हम धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ों को ऐड करते जा रहे हैं, तो इसमें हम सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे, क्योंकि आगे चल के जब आप इवेंट्स करोगे, अपने खुद की ट्रेनिंग्स बनाओगे, या खुद का कोई वर्कशॉप करोगे, तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ को सिंप्लीफाई करके चीज़ों को आना चाहिए, सो दैट आप बेटर डेमोन्स्ट्रेट कर सको, सो दैट आप अपने सब्जेक्ट को बेहतर समझ सको, सो दैट आपकी कॉम्पोजिशन इंप्रूव हो सके। तो सिंप्लीफिकेशन से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। ओके, बहुत सारी चीज़ें, डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर को हैंडल करना, आपके प्रोफेशनल लेवल पे कहीं पे काम करना, आपका कॉम्पोजिशन पे काम करना, हर एक चीज़ सिंप्लीफिकेशन से जुड़ी हुई है। दूसरा चीज़ कि जब आप सिंप्लीफाई करके सही तरीके से बनाते हो, जैसे कि हमने ये पोर्ट्रेट को शुरुआत किया था, तो वहाँ पे आप प्रोपोर्शन भी आपका इम्प्रूव होने लग जाता है, क्योंकि एक सर्कल को, ओके, एक गोलाकार चीज़ को जज करना डिफिकल्ट होता है, एक स्ट्रेट लाइन को जज करना आसान होता है। तो जब आप स्ट्रेट लाइन में बनाने का प्रैक्टिस करते हो, सिंप्लीफाई करने की प्रैक्टिस करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली, आपका जजमेंट एबिलिटी, प्रोपोर्शन को जज करने की एबिलिटी भी साथ ही साथ इम्प्रूव होती है। तो आप देख रहे हो कैसे सिंप्लिसिटी से, सिंप्लीफिकेशन से सब कुछ जुड़ा हुआ है, और प्रपोर्शन जजमेंट भी सिंप्लीफिकेशन से जुड़ा हुआ है। तो आप सिंप्लीफाई करते हो तो आप प्रपोर्शन जजमेंट भी कर पाते हो। अब यहाँ पे देख रहे हो कि मैं डिफरेंट चीज़ें बना रहा हूँ, ये मूछें बना रहा हूँ, नाक को थोड़ा और मैंने शेप दिया, आँखों को मैंने थोड़ा और शेप दिया। अब यहाँ पे वो वर्ड आ रहा है जो आपने शुरू में मैंने लिखने बोला था, शेप्स। शेप्स बहुत कमाल की चीज़ है, और खासकर रैंडम शेप को देख पाने की काबिलियत।
आंखों को आंखें समझ के देखोगे तो आपके दिमाग में जो आंखों की इमेज चल रही है वो बीच में डिस्टर्ब करेगी। नाक को नाक समझ के देखोगे तो आपके दिमाग में जो नाक की फोटो चल रही है वो आपके आर्टवर्क के बीच में डिस्टर्ब करेगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा आर्ट की ट्रेनिंग्स में ये बोला जाता है कि जब भी आप कोई आर्टवर्क बना रहे हो, किसी का चेहरा बना रहे हो, लैंडस्केप बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, जिस चीज़ को बना रहे हो उस चीज़ को भूल जाओ और बनाओ, तब आप सही तरीके से बना पाओगे। जैसे मुन्ना भाई MBBS में शायद एक डायलॉग था ना कि हम डॉक्टर दोस्ती करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे पेशेंट को समझने आए, क्योंकि अगर हम दोस्ती कर लेंगे तो अगर मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन कर रहा हूँ तो मेरे हाथ कांपेंगे। वैसे आर्ट में क्या होता है कि जब आप नाक को नाक समझ के बनाते हो तो आपके दिमाग में नाक की जो इमेज है वो डिस्टर्ब कर रही होती है। तो आपको नाक को नाक नहीं समझना होता है, आपको ये समझना होता है कि हाँ कुछ शेप है ये, ओके कुछ इस टाइप की लाइन्स है, एक लाइन ऐसी गई है, एक लाइन ऐसी गई है, एक लाइन फिर ऐसे गई है, ऐसे गई है, जो भी है वो शेप को आप समझते हो, आंखों को आंखें नहीं समझते हो। ओके, अगर आप आंखों को आंखें समझोगे तो सिंपल आंखें आप बना लोगे, लेकिन कोई आंख अगर साइड देख रही है, ऊपर देख रही है, तब आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपने आंखों को शेप के रूप में नहीं देखा, बल्कि आपने आंखों को आंखें ही समझ लिया। ओके, तो आपको देखना है कि अगर आंखें थोड़ी सी साइड में है तो ये एक लाइन है जो बड़ी दिख रही है, फिर छोटी सी एक लाइन है, फिर एक लाइन नीचे गई है, तो ये जो चल रहे हैं आंखों में, जो लाइंस में जो चेंजेस आया वो आया और उस चेंज को आप देख सके, क्योंकि आप आंख को आंख नहीं समझ रहे, आप सिंपल शेप समझ रहे थे, रैंडम शेप। ओके, रैंडम शेप को समझने की जो ये अंडरस्टैंडिंग है वो आपको शुरू में नहीं बल्कि एडवांस लेवल पे पहुंच जाओ, आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े लेवल पे आप आर्ट के लेवल पे काम करो, ये शेप को देखने की जो क्षमता है वो आपको हर जगह काम आती है। और इसीलिए इन सारी चीज़ों को फंडामेंटल कहा जाता है, प्रिंसिपल के लेवल पे इन चीज़ों को कवर किया जाता है। बहुत सारे लोग जब मैं कहता हूँ कि फंडामेंटल सीखो तो कुछ लोग कहते हैं अरे सर हम फंडामेंटल नहीं सीखेंगे, बेसिक तो हमको आता है, हम बेसिक जानते हैं, हम तो फंडामेंटल जानते हैं, हमें एडवांस चाहिए, हमें एडवांस चाहिए। ऐसा वाला कुछ लोगों का रिस्पांस आता है तो मुझे थोड़ी हंसी आती है, मतलब भाई तुम्हें जो बेसिक लग रहा है ना कि बेसिक हो चुका हमारा, बेसिक होता कभी नहीं है। जिस चीज को आप सोच रहे हो कि बेसिक का मतलब ये नहीं था कि हमने दो ठो अंगूर बना दिया, एक सेब बना दिया, एक वाटरमेलन बना दिया, एक मैंगो की ड्राइंग बना दी, दो पत्ते की ड्राइंग बना दी, बेसिक का मतलब वो नहीं होता। कई लोग क्या है कि मन में ये बैठा रखे हैं कि बेसिक का मतलब ये सब होता है जो बचपन में सीखे थे, मछली बनाते हैं, दो गोला किया, एक ट्राइंगल बनाया, दो ट्राइंगल इधर उधर जोड़े, एक गोला किया, मछली बन गई, वो बेसिक की बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिक हर लेवल पे आता है, एडवांस से एडवांस लेवल पे, दुनिया के मास्टर से मास्टर आर्टिस्ट भी बेसिक और एडवांस के ऊपर काम करने की सलाह देते हैं। ओके, तो यही चीज़ है जो हर जगह इस्तेमाल होती है। ओके, तो जो सिंपल शेप्स हम बचपन में भी सीख रहे थे उसी शेप को बड़े लेवल पे तो हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, बेसिक वही रहता है बस अच्छे से समझते हैं। ओके, बचपन में भी कपड़ा पहनते थे, बड़े होकर भी कपड़ा पहनते हो, कपड़ा का साइज चेंज हो गया लेकिन कपड़ा तो कपड़ा ही है ना, ये तो नहीं कि अब कपड़ा पहन चुके हैं बेसिक है वो तो अब तो पत्ता पहनेंगे, नहीं, जो चीज़ें हैं वही हैं, बस उसका तरीका चेंज हो जाता है। तो हमने कवर किया प्रपोर्शन, हमने कवर किया सिंप्लीफिकेशन, हमने कवर किया शेप्स, इन तीनों सब्जेक्ट आपके स्टार्टिंग लेवल पे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी आर्टवर्क को, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे कितने अच्छे से इस्तेमाल हो रही है आप देखो। अब जो गोल्डन लाइन मैंने कहा कि आपको लिख के कॉपी पे चिपका लेना चाहिए पेपर पे अपने दीवारों पे, वो थी स्टार्ट ओवर फिनिश, उसके ऊपर मैं और डीपली कवर करूँगा क्योंकि बहुत कमाल की लाइन है। तो यहाँ पे मैंने एक और पोर्ट्रेट लिया, जैन वैन आयक, नेदरलैंडिश पेंटर, एक बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट, और इनका ये जो पोर्ट्रेट जिसका मैं रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे पहला सेल्फ पोर्ट्रेट था। ओके, ऐसा स्टडीज़ में लिखा गया है। तो मैंने यहाँ पे भी सिंप्लीफाई किया, तो आप देख सकते हो कि जॉन सिंगर सार्जेंट का जो पोर्ट्रेट था मैंने थोड़ा देर बनाया, 5-10-15-20 मिनट उसमें टोटल लगे थे, ओके आधा घंटा, लेकिन सिंप्लीफाई किया, सिर्फ पोर्ट्रेट को बनाया, लाइंस में कवर किया और छोड़ दिया। अब मैं एक और पोर्ट्रेट बना रहा हूँ सिंप्लीफाई, वही सारी चीज़ें जो मैंने उस पोर्ट्रेट में कवर की, स्ट्रेट लाइंस में सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, शेप्स देख रहा हूँ, सिंप्लीफाई करने के बाद देख रहा हूँ कि जो शेप है उसकी शेप कैसी है सो दैट पोर्ट्रेट मैच करे। पहला स्टेप नहीं है पोर्ट्रेट को मैच करना, बहुत लोग यही गलती करते हैं कि पहले स्टेप में सोचते हैं कि पोर्ट्रेट मैच हो जाए, पहले सिंप्लीफाई करना है कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी, कैसी आएगी, प्रपोर्शन सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं,
उसके बाद शेप्स को सही शेप देना है ताकि वो पोर्ट्रेट फिर उसके बाद उसमें लाइकनेस आए, मैच आए। ओके, तो ये होता है सही स्टेप्स आपके पोर्ट्रेट को मैच करने का। पहला स्टेप नहीं होता है पोर्ट्रेट मैच करना, बहुत लोग वही गलती करते हैं, मोबाइल को जूम कर लेंगे, आँख को वैसे ही बनाएंगे जैसा पोर्ट्रेट मोबाइल में फोटो दिया है, वैसी आँख बनाएंगे, तो बहुत गलत तरीका है वो। उससे आप एक दो बार सुंदर ड्राइंग बना दोगे, अपने यूट्यूब में सब्सक्राइबर गेन कर लोगे और थोड़ा सा जिंदगी में खुश हो जाओगे कि चार लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे वो काम नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने एक और पोर्ट्रेट बनाया जैनवे नायक, सिंपल पोर्ट्रेट, सिंपल लाइंस कवर किया, आंखें नाक मुंह कहाँ पे आएगा, सिंपल लाइंस कवर किया, खत्म किया, छोड़ दिया। एक और यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट आप देख रहे हो मोनालिसा का मैंने लिया है, सिंपल लाइंस खींच रहा हूँ। ओके, 10 से 15 मिनट मुझे सारे पोर्ट्रेट में लगे, मैं सिंपल आपको थोड़ा सा फास्ट करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी लाइंस खींची, प्रपोर्शन किया और उस मोनालिसा को भी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, थोड़ी सी लाइन खींच के खत्म कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो सबसे खूबसूरत लाइन जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि स्टार्ट ओवर फिनिश, स्टार्टिंग में जो मैजिक है, स्टार्टिंग करने में जो आप सीखोगे वो फिनिशिंग करने में आप कभी नहीं सीखोगे। अगर आप रियल में इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने स्टार्ट को स्ट्रॉन्ग करो। स्टार्ट ओवर फिनिश का मतलब कि फिनिशिंग से पहले ज़्यादा ज़रूरी है शुरुआत करना और शुरुआत के हिस्सों को ठीक करना। डैरेन राउजर सर से जब ये चीज़ें मैंने सीखी तो वहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियर कट इस चीज़ को समझाया है कि अगर आपके पास 4 घंटे का समय है तो एक पोर्ट्रेट को शुरू से लेके एंड तक डिटेलिंग करने से अच्छा है कि उस 4 घंटे में आप 10-15, 15-20 मिनट के पोर्ट्रेट कवर करो, जहां पे आप प्रपोर्शन पे, सिंप्लीफिकेशन पे, शेप्स पे काम करो, ताकि आपका वो स्ट्रांग हो जाए। जब वो स्ट्रांग हो जाएगा तो आप इजीली फिनिशिंग लाइन के ऊपर जाने के ऊपर काम कर सकते हो। अब यूट्यूब में सबसे बड़ी गलती जो यूट्यूब के वीडियोस में सिखाया जाता है वो ये कि पोर्ट्रेट बनाओ और उसको रब कर करके फिनिशिंग तक लेके जाओ हर पोर्ट्रेट को, वही सबसे बड़ी गलती है और इसके वजह से मैक्सिमम लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं। आप डिटेलिंग्स तो कर सकते हो, एक एक आँख के बाल को बना दोगे, लेकिन नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, हल्का सा प्रोपोर्शन गड़बड़ है, तो आपका जो 10 घंटा आपने पोर्ट्रेट में लगाया वो सब बेकार था। अगर आपको लग रहा है कि 40 घंटा लगा के आपने एक पोर्ट्रेट बना दिया और आप खुश रहो कि मैंने 40 घंटा दिया इस आर्ट वर्क को, तो टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती आर्टवर्क में। आर्टवर्क में वैल्यू होती है उसके एंड रिजल्ट की और उसके प्रोसेस की, लर्निंग की, जो आपने सीखा उसको करते दौरान। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 4-5 पोर्ट्रेट आर्टवर्क कवर किया और सबको सिंपल लाइंस खींच के, जब उसकी प्रपोर्शंस, उसके बेसिक शेप्स को देख के उस पोर्ट्रेट को छोड़ दिया एंड आगे दूसरे पोर्ट्रेट्स को मैं करता रहा। तो इसी को कहते हैं स्टडी करना। ओके, और मैक्सिमम लोग गलत क्या करते हैं कि वो स्टडी करना छोड़ के डायरेक्ट परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं, कि साल भर पढ़ाई करना छोड़ के डायरेक्टली एग्जाम में फाड़ देंगे ये सोचते हैं। तो ये जो स्टडी है ये आपकी एक्चुअल लर्निंग है। अगर आप एक्चुअल में इंप्रूव करना चाहते हो, कम समय के अंदर बेहतर काम करना चाहते हो, जल्दी ग्रोथ पाना चाहते हो और सही ग्रोथ पाना चाहते हो, ये नहीं कि आपने खाली ब्लेंडिंग स्टिक को रब कैसे करते हैं और अलग अलग ग्रेड की पेंसिल खरीद ली और इस ये टूल क्या होता है, वो पेपर क्या होता है, कौन से पेपर में ज़्यादा लेयरिंग हो सकती है, ये सब चीज़ में अगर आप घूम रहे हो तो वो सब आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सब कुछ छोड़ के आपको सिंपल पोर्ट्रेट्स निकालने हैं। अगर आप पोर्ट्रेट के ऊपर काम कर रहे हो तो पोर्ट्रेट की इमेजेस निकालो और सिंपल शुरुआत की लाइन, स्टार्ट ओवर फिनिश, इस रूल को याद रखो, स्टार्ट ओवर फिनिश, फिनिशिंग बाद में, पहले स्टार्ट वाले स्टेज के ऊपर बहुत काम करो। एंड ऑब्वियस ही बात है कि जो स्टार्ट वाला स्टेज है वो सबसे डिफिकल्ट है। एक घर जब बनता है तो शुरुआत में जो नींव रखी जाती है, छड़ बांधे जाते हैं, ओके, वो सारा जो टाइम है वो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है, उसी में सबसे ज्यादा मजबूती का ध्यान रखा जाता है, उसी में सबसे ज्यादा केयरफुल रहा जाता है, उसी में सबसे ज्यादा मेहनत की जाती है, ताकि जब एंड में जो छोटे छोटे फिनिशिंग टचेस हैं, कौन सा अलमारी लगाएंगे, कौन सा कलर पेंट करवाएंगे दीवारों में, वो सब जब सोचें तो उससे फर्क ना पड़े। आप लाल के जगह घर में पीला रंग भी करवा लोगे तो घर मजबूत है तो मजबूत ही रहेगा। ओके, सुंदरता के लिए हम बाद में काम कर सकते हैं अगर पहला नींव मजबूत है तो। और मैक्सिमम लोग जो 99% गलती कर रहे हैं यूट्यूब में चीज़ों को देख के, इधर उधर से सीख के, मैं सभी स्टूडेंट को ये बताना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये चीज़ को करना छोड़ के स्टार्ट ओवर फिनिश रूल के ऊपर काम करिए, सिंप्लीफाई करिए पहले चीज़ों को, प्रपोर्शन को समझिए, शेप्स को समझिए। अगर वो सब सही चल रहा है, वो अगर स्ट्रांग हो रहा है, तो आप ये सोचना छोड़ के कि मेरा कोई फिनिशिंग आर्टवर्क होगा मैं उसको यूट्यूब पर सोशल मीडिया में डालूंगा, लोग अलग अलग तारीफ करेंगे, लाइक्स आएंगे, वो सब सोचना छोड़ के सिंपल स्ट्रॉन्ग करिए अपने आप को बेस लेवल पे। उसके बाद जो भी फिनिशिंग वाली चीज़ें आप ऑटोमेटिकली उसको इजीली कर सकोगे। आप देखोगे कि अगर आप फंडामेंटली अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो वो फिनिशिंग वाली चीज़ों के लिए आपको अलग से सीखना भी नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये था आज का गोल्डन रूल, स्टार्ट ओवर फिनिश। सो आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो। किसी के लिए हेट नहीं है, मैं जब भी बोलता हूँ कि कोई आर्टिस्ट ऐसा सिखा रहा है, कोई पर्सन ऐसा सिखा रहा है, यूट्यूब पे कोई ऐसा सिखा रहा है तो गलत सिखा रहा है, तो किसी के लिए मेरे हेट नहीं है। बस एज ए लवर, आर्ट का लवर या आर्ट के टीचर के तौर पर जब से मैं काम कर रहा हूँ, आर्ट का स्टूडेंट तो हम जिंदगी भर रहेंगे,
तो उन चीजों को देख के बस बुरा लगता है कि कोई एक तरीका आप किसी के लाइफ को खराब कर सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि यूट्यूब पे कोई चीज कोई डाल देता है, उसके बाद कोई बच्चा या कोई पर्सन जो आर्ट में बिगनर है वो उसको देख लेता है और उसको फिर वो पूरा मान के बैठ जाता है। उसके अलावा वो कोई और रिसर्च या कोई ऐसी चीजें और स्टडी नहीं करता जिसके वजह से उसको और समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत, वो उस वीडियो को देख के सब कुछ मान लेता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज जरूरी है तो उसको बोल देना चाहिए। तो किसी के लिए मेरा हेट नहीं है, बस मैं सही चीज जो है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो टेक्निक मैं शेयर कर रहा हूँ वो मेरी फेवरेट है इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। जो जरूरी है, जो मुझे भी डिफिकल्ट लगता है या बहुतों को डिफिकल्ट लगता होगा, ऑब्वियसली बात है, लेकिन क्योंकि जरूरी है इसको शेयर करना भी जरूरी है। और इसीलिए मैं आप सबसे एक दरख्वास्त भी करूंगा कि किसी को भी हेट मत देना, सबको प्यार देना, बट अपने तरफ से स्टडी जरूर करना, रिसर्च जरूर करना कि आर्ट वर्ल्ड में डीप लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे चीजों जो बताई जाती है, जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उसकी क्या मीनिंग है, उसको क्यों किया जाता है और क्यों उसकी वैल्यू है। ओके, शेप्स बोला जाता है तो शेप्स का इस्तेमाल है, तभी वो फंडामेंटल लेवल पे इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से आउटलाइन बना रहे हो तो वहाँ पे शेप्स का इस्तेमाल ही नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, खैर, स्टडी करना, रिसर्च करना, चीजों को बारीकी से समझना, प्लस संडे सेशन मैं करने वाला हूँ बहुत डीपली, उसमें चीजें और कवर होंगी, क्या क्या चीजें फंडामेंटल के लिए जरूरी है, आर्ट में स्कोप क्या हो सकता है, करियर वाइज क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, उस सब के ऊपर मैं पर्सनली प्रैक्टिकल लेवल पे बात करूंगा, कोई इधर उधर से गूगल से देख के नहीं, प्रैक्टिकली जो मैंने अपनी लाइफ में किया है या मैंने जो भी स्टडी किया जिन आर्टिस्टों को, जिनको जिनके साथ भी रिसर्च किया है कि क्या क्या कौन क्या क्या कर रहा है, उन सबको मैं आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करूंगा सेशन में। नीचे लिंक दिया गया है, मेक श्योर कि आप उसको मिस नहीं करिएगा। फ्री है कंप्लीटली, लेकिन सीट्स लिमिटेड है, सो मेक श्योर कि जल्दी रजिस्टर करिएगा। रजिस्टर नहीं हो रहा है मान लीजिए आपका, तो समझ जाना कि सीट्स फिलअप हो चुकी है। ओके, एंड जब सेशन होगा टाइमिंग में भी आपको 5-10 मिनट जल्दी आना होगा, क्योंकि जो पहले आते हैं उनका अलाउ हो जाता है जूम सेशन के अंदर हमारी टीम के द्वारा, जो लेट आते हैं फिर अगेन वो सीट्स लिमिट खत्म होने के बाद उनको अलाउ नहीं किया जाता है। सो मेक श्योर कि वो सारी चीजें आप समझ जाएं कि टाइमिंग के अंदर होगा, सीट्स लिमिटेड है। क्योंकि अब अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, ये एजुकेशनल जो पॉइंट्स हैं वो आपको अगर लगे हो कि ये इंपॉर्टेंट है, समाज में फैलना जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। क्योंकि हर वो पर्सन जो इस तरीके के कंटेंट को शेयर करता है, मैं सिर्फ अपनी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज, ओके, दुनिया में कोई भी चीज हो जिसको आप शेयर कर रहे हो और उसमें सच्चाई है या उसमें कुछ ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी और का भला कर सकती है, तो अगर आप उसको शेयर कर रहे हो तो रेस्पेक्ट, ओके, रेस्पेक्ट करता हूँ मैं उस चीज की, रेस्पेक्ट के काबिल है। क्योंकि आज के टाइम पे जब लोग एंटरटेनमेंट की चीजों को, कोई नाच रहा है उसको शेयर कर रहे हैं, नाच रहा मतलब अच्छा वाला नाच नहीं, जो तो शेयर कर रहे हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है, सर पैर नहीं, जिससे समाज में कोई अच्छाई नहीं फैल रही है, उसको लोग शेयर कर रहे हैं, जबरदस्ती की चीजों को शेयर कर रहे हैं, और वहां पे कोई पर्सन अगर कोई अच्छी चीज शेयर करता है तो ही डिजर्व और शी डिजर्व रेस्पेक्ट मैन। तो मिलता हूं मैं आपको सेशन के अंदर एंड आने वाले लेसन में। लव आर्ट, लीव आर्ट।